हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देवानी संस्कृत पाठमाला भाग 4, अष्टम पाठ व्यायाम है। व्यायाम में क्या होता है? द एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं आप कि हमने एक्सरसाइज की है, व्यायाम किया है। व्यायाम के बहुत सारे लाभ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। व्यायाम के लाभ है, देखिए ये कैसे बाबा जी सो रहे हैं यहाँ पर बिस्तर पर। हम बताते हैं क्या है असल संसारे अनेकानि सुखानि सन्ति। हमारे संसार में बहुत सारे सुख हैं, जैसे पुत्र सुख है, पत्नी सुख है, धन सुख है, शरीर सुख है, परंतु शरीर सुख एतेषु सर्वेषु श्रेष्ठम अस्ति। परंतु इन सब में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? शरीर का सुख सबसे बड़ा होता है। स्वास्थ्यम विना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि एव। शरीर के सुख के बिना सारे सुख बेकार है। अस्वस्थ है जनकमपि कर्तुं न प्रभवति। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। सह निज कार्याणि साधयितुमपि अक्षमो भवति। वो अपने काम करने में हमेशा असफल रहता है। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, जना तस्य आदरं न कुर्वन्ति, लोग उसकी उसका सम्मान नहीं करते हैं। तस्य वचनं न आद्रियते, और उसकी वचनों का, उसकी बातों का को मानते नहीं है। स्वस्थ जन है निज हितम साध्यति। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपने हित को, यानी कि वो क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति अपना और दूसरों का भी हित करता है और दूसरों की भी भलाई करता है। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायाम कुर्वन्ति। स्वास्थ्य के लाभ के लिए लोग क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। व्यायाम से अनेके प्रकार भवन्ति। व्यायाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। बालका सुगमम व्यायाम कुर्वन्ति। बच्चे क्या करते हैं? जो हल्के अच्छे हल्के हल्के व्यायाम होते हैं वो करते हैं। ते आसनानि कुर्वन्ति, वो आसन करते हैं। वृद्धा जना आसनानि कुर्वन्ति, बूढ़े लोग आसन करते हैं। वृद्धा जना सुगमम व्यायाम एव कुर्वन्ति, अब बूढ़े लोग भी सुगम यानी कि आसान व्यायाम भी, आसन भी करते हैं। युवाने धावनम कुर्वन्ति, जो युवा होते हैं वो दौड़ते हैं। ते केचन कठिनम व्यायाम कुर्वन्ति, जो युवा होते हैं वो कुछ कठिन व्यायाम भी करते हैं। ते मल्लादिकम कुर्वन्ति, वो क्या करते हैं, वो भ्रमणापि श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, घूमना भी एक बहुत श्रेष्ठ व्यायाम है, घूमना भी बहुत जरूरी है। छात्रा विद्यालय क्रीडन्ति, विद्यार्थी विद्यालय में खेलते हैं। अयम एव, यहाँ देख रहे हो आप बहुत सारे विद्यार्थी खेल रहे हैं। अयम एव तेषां श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, यह भी उनका एक अच्छा व्यायाम है। तत्र ते पादुकन्दुकम हॉकी क्रिकेट इत्यादि क्रीडां क्रीडन्ति, वहां वे क्या करते हैं, फुटबॉल से हॉकी और क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं। तेषां व्यायामो भवति, खेलने से उनका व्यायाम हो जाता है। अनुशासनस्य भावना वर्धते, अनुशासन की भावना बढ़ जाती है। अनेन तेषां ज्ञानम वर्धते, और इससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है। व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति, व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम से शरीर निरोग होता है। अनेन शरीरे रक्तस्य संचारे सम्यक भवति, इससे हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है, खून का संचार, वो ठीक होता है। रक्तस्य निर्माणम व्यायामेन भवति, और रक्त जो है किससे बनता है, व्यायाम करने से हमारा खून भी बनता है। व्यायामेन अंगानि स्वस्थानि भवन्ति, व्यायाम से हमारे अंग भी स्वस्थ रहते हैं। अनेन बुद्धि निर्मला भवति, जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है, स्वच्छ बनती है हमारी बुद्धि भी। व्यायामेन चेतः प्रसादम अधिगच्छति, व्यायाम करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। अनेन अस्माकं जठराग्नि प्रदीप्ता भवति, जिससे हमारी जो पेट की अग्नि है वो भी और बढ़ने लगती है। वस्तुतः व्यायामस्य अनेके लाभा सन्ति, इस प्रकार व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहता है और निरोग रहता है। हमारा रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है, हमारी रक्त बनने लगता है। व्यायाम से हमारी बुद्धि बढ़ने लगती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और खेलने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।
अलग अलग तरीके के व्यायाम है, बच्चे अलग व्यायाम करते हैं, हल्के व्यायाम कसरत करते हैं, हल्के व्यायाम करते हैं, युवा लोग दौड़ते हैं वैसा व्यायाम करते हैं, बूढ़े लोग भी छोटे छोटे आसन करते हैं और व्यायाम करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों देखा आपने व्यायाम के कितने लाभ हैं। कुछ पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। अस्मिन इस, परम माने परंतु, आद्रियते माने आदर किया जाता है, आसनानी आसन, भ्रमणम माने घूमना, पाद कंदुकम यानी कि फुटबॉल, संति हैं, सर्वाणि सब, बालका बालकगण, केचन कुछ, वर्धते बढ़ता है, भवंती होते हैं, अनेन इससे, रक्तस्य खून का, वस्तुतः वास्तव में, सुखानि सुख, तस्य उसका, लाभाय लाभ के लिए, संसारे संसार में, जन है लोग, व्यायाम है व्यायाम या कसरत, वृद्धा बूढ़े, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, क्रीडन्ति खेलते हैं, शरीरम शरीर, अस्माकम हमारी, लाभा लाभ, चेतः मन और अनेके अनेक। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों में के बारे में हमने जाना बच्चों, जो आपको याद करने हैं। कुछ एक्सरसाइज है, अभ्यास कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है, वृद्धा की दृशा व्यायाम को बनती, वृद्ध लोग कैसे आसन करते हैं, सरल व्यायाम कुर्वन्ती, सरल व्यायाम करते हैं। दूसरा है, बालका की दृशम व्यायाम कुर्वन्ती, बालका सरल व्यायाम कुर्वन्ती विद्यालये, क्रीडन्ति च, विद्यालय में खेलते भी है, खेलना भी एक व्यायाम है। छात्रा प्रथम व्यायाम कुर्वन्ति, छात्रा पादकन्दुकेन हॉकी क्रिकेट क्रीडा कुर्वन्ति। व्यायाम है केन कारणेन करणीय, व्यायाम किस लिए करना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धनाय, व्यायाम है करणीय, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। लोके कति सुखानि सन्ति, लोके अनेकानि सुखानि सन्ति, यत पुत्र सुख धन सुख च स्वास्थ्य सुख आदि। एक्सरसाइज नंबर टू है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। अस्मिन संसारे अनेकानि सुखानि सन्ति, स्वास्थ्यम विना सर्वाणि सुखानि व्यर्थम भवति, जना तस्य आदरम न कुर्वन्ति, स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायाम व्यायामं कुर्वन्ति, क्रीडनेन तेषां व्यायामं भवति, खेलने से भी उनका व्यायाम होता है। एक्सरसाइज नंबर थ्री है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। विकल्प दिए हुए तीन, अस्मिन संसारे अनेकानि सन्ति, क्या दुख सुख या व्यजनानि सुखानि सन्ति। दूसरा है, स्वास्थ्य लाभाय जना कुर्वन्ति, स्वास्थ्य के लाभ के लिए लोग क्या करते हैं, लोग व्यायाम करते हैं। अस्माकम इति पदम अस्ति, अस्माकम ये पद क्या है, अव्यय है या कि सर्वनाम है या संज्ञा है, स
सर्वनाम है ये हमारा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों की, कुछ वाक्य दिए हुए जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। स्वास्थ्य लाभाय जना व्यायाम कुर्वन्ति, स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग, स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग व्यायाम करते हैं, लोग व्यायाम करते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य जनय निज हितम साधति, स्वास्थ्य स्वस्थ मनुष्य अपना भला करता है। नेक्स्ट है अयम एवं केशाम श्रेष्ठ व्यायाम अस्ति, यह भी उनका श्रेष्ठ व्यायाम है। किनका? बच्चों का खेलना। रक्तस्य निर्माणम व्यायामेन भवति, रक्त का निर्माण व्यायाम से होता है, होता है। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम से शरीर निरोगी होता है। स्वास्थ्य बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि, स्वास्थ्य के बिना सभी सुख बेकार हैं। जब हम शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे बच्चों, तो हम कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी ही सबसे अच्छा उत्तम धन है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, संस्कृत में अनुवाद करनी है, व्यायामस्य अनेका लाभा संति, व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम से शरीर निरोगी रहता है, व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम से रक्त का निर्माण होता है, व्यायामेन रक्त निर्माणम भवति, व्यायाम से रक्त का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार हमने जाना, व्यायाम से अंग स्वस्थ होता है, व्यायामेन अंगानि स्वस्थानि, भवन्ति। यह उन लोगों का श्रेष्ठ व्यायाम है। अयम तेषां श्रेष्ठ व्यायाम है अस्ति। एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका कि हमें संधि विच्छेद करना है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। व्यायामेन अंगानि, व्यायामेन अंगानि, व्यायाम अस्या अनेकम, व्यायाम प्लस अस्य प्लस अनेकम। भ्रमणपि, भ्रमणम प्लस अपि, भ्रमणपि। एक्सरसाइज नंबर 7, सही वाक्य को देखकर हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत वाक्य है उन पर गलत का निशान लगाना है। जैसे स्वास्थ्य बिना सभी सुख बेकार है, सही बात। अस्वस्थ जनक किमपि कर्तुम न प्रवृत्ति, जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो कुछ भी करने के में संभव नहीं होता, सही है ये। व्यायामेन रक्तस्य शोषणम भवति, व्यायाम से रक्त का शोषण होता है, नहीं, रक्त निर्माण होता है। युवाने धावनम कुर्वन्ति, युवा लोग दौड़ते हैं, सही है। छात्रा विद्यालय क्रीडन्ति, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ये सही है। एक्सरसाइज नंबर 8, वाक्य बनाने हैं। संसारे, अस्मिन संसारे बहवः जना
न्यूज़ सुनती। स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम बिना सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि, सर्वाणि सुखानि निरर्थकानि कार्याणि। सर्वाणि कार्याणि सिद्धयन्ति उद्यमेन ही, सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। व्यायाम, वयम सर्वे व्यायामं करणीयम्। भ्रमणम्, भ्रमणम् अपि व्यायामस्य रूपः अस्ति। घूमना भी व्यायाम का ही एक रूप है। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ वाक्य बनाए। अब हमारा नेक्स्ट कार्य है, ये रचनात्मक कार्य एक्टिविटी है। चित्रों को देखकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। आप चित्र देख रहे हो यहाँ पर, ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं, वृद्ध क्या कर रहा है, ये वृद्ध चलती या वृद्ध मंदम मंदम चलती, कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे कि युवा व्यायाम करोति, युवा व्यायाम कुर्वंती, कुछ भी कर सकते हो। युवा आसनम करोति, सरल आसनम करोति, कोई भी आप बना सकते हैं। और ये आप ऐसे ही चित्र बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाइए। ये आपका एक्टिविटी कार्य है। ऐसे ही चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए और अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाइए। तो व्यायाम के बारे में बच्चों आपने जाना कि व्यायाम करना कितना जरूरी है अपने शरीर के लिए, और स्वस्थ शरीर में ही हमारा स्वस्थ मस्तिष्क भी रहता है। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर से आलस्य त्याग कर व्यायाम करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और जो भी बन सके आपको व्यायाम, हल्का आसान हो आसान करिए, कोई जरूरी नहीं है। स्कूल में रहते हैं तो विद्यालय में रहकर खेलना भी एक व्यायाम का ही साधन है, तो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आपने जाना पाठ के बारे में, व्यायाम के बारे में। नेक्स्ट पाठ में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आभार।